हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार उत्तम और स्वागत है आप सभी का मेरे रिव्यू चैनल पर। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कल्कि 2898 एडी के ट्रेलर 2 का रिव्यू। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो कल्कि के मेकर्स ने कल्कि के ट्रेलर फर्स्ट के बाद ट्रेलर सेकंड को भी रिलीज कर दिया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने। इसमें हमें प्रभास, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे। देखो, मेकर्स ने अब तक इस मूवी की हाइप मेंटेन रखी हुई है। लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको देखने के लिए और ग्लिम्प्स, ट्रेलर, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2 इस तरीके के फैक्टर्स रिलीज करके वो इसकी हाइप को और भी ज्यादा हाई लेवल पर ले जा रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। देखो, इसका ट्रेलर 2 रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर 2 देखने के बाद आप सिर्फ यही कहोगे, मजा आया। देखो, इस ट्रेलर में हमें अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण नजर आए। तो इसमें कमल हसन की आवाज सुनाई दी। देखो, कमल हसन इतने कमाल के और टैलेंटेड एक्टर हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी को ऐसा चेंज करते हैं कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस ट्रेलर में कमल हसन दिखाई दिए हैं या नहीं। इस ट्रेलर का बीजीएम बहुत ही कमाल का है, इसके बीजीएम को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें वीएफएक्स बहुत ही अच्छा है, देखकर लग रहा है कि हाँ, मूवी का बजट 600 करोड़ है। इस ट्रेलर को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सफाई से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, बिना कुछ लीक किए, बिना कुछ बताए। देखो, जब अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा प्रेजेंट किए गए थे तो लोगों में खलबली मच गई थी। देखो, प्रभास का कैरेक्टर जो है भैरवा का, वो भी काफी ज्यादा दमदार है। लेकिन अभी मेन सरप्राइज बाकी है जो कि मूवी में ही देखने को मिलेगा, और वो ये है कि कल्कि का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये अब तक पता नहीं चला है। ये हमें तभी पता चलेगा जब मूवी रिलीज होगी। तो कुल मिलाकर ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। ट्रेलर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और एक्साइटमेंट लेवल सातवें आसमान पर पहुंच गया है। तो मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।